नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम का सबसे पॉपुलर डिबेट शो 10 का दंगल, और मैं हूं आपके साथ संजीव। आज 10 का दंगल में सबसे बड़ी बहस इस मुद्दे पर कि क्या राम के देश में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह हो गया, और अगर हुआ तो कैसे। हनुमान भक्त नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर महाराष्ट्र सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर इस दंपति को जेल भेज दिया। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होनी है, तब तक उन्हें जेल में रहना होगा। राणा दंपति पर राजद्रोह का केस लगाने पर बवाल मच गया है। बीजेपी खुलकर सामने आ गई है, बचाव में उतरे बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हो गया, जैसे वो खार थाने से मिलकर बाहर आए किरीट सुमैया। आज दिल्ली दरबार में भी इसकी गूंज होगी। उधर उद्धव सरकार ने लाउड अजान वर्सेज चालीसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी पर चालीसा विवाद को लेकर ग्लिम प्लान करने का आरोप लग रहा है, और उद्धव सरकार इस पर घिर गई है। बाला साहब के शिव सैनिकों को हनुमान भक्तों से लड़ने को तैयार किया जा रहा है। सवाल है, क्या कांग्रेस के सारे गठबंधन की खिचड़ी सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए क्या बाला साहब ठाकरे की विरासत से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह कैसे होगा, चर्चा इसी पर होगी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, वो आपको बता दें। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी के तमाम नेता। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर में मुलाकात, किरीट सुमैया के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं बीजेपी के तमाम नेता। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिल सकता है बीजेपी का डेलीगेशन जो कि मुंबई से आया है। उद्धव सरकार की शिकायत करेंगे बीजेपी नेता, किरीट सुमैया पर हमले की शिकायत करेंगे, क्योंकि आपको बताएं कि किरीट सुमैया पर हमला हुआ था और हमले का आरोप शिवसेना पर है। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता मुंबई से पहुंचे हैं दिल्ली, वो केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र सरकार की शिकायत करने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब कुछ हुआ और शिकायतों के बाद हुआ, और इसीलिए अब यह मुलाकात होनी है। आज अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता जो कि मुंबई से इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि किरीट सुमैया लगातार उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी आपको बता दें कि लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन किरीट सुमैया क्या कह रहे हैं वो पहले आपको सुनवाते हैं। सचिव से मिलने के लिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी फर्जी एफआईआर किरीट सुमैया के नाम से संजय पांडे ने लिखवा दी। पुलिस स्टेशन के कैंपस में किरीट सुमैया के साथ में जो सीआईएसएफ कमांडो, उनके पर हमला शिव सैनिकों ने किया, वो कमांडो के ड्राइवर के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाती है। वाशिम हो, पुणे हो, मुंबई हो, तीनों जगह कमांडर पे हमला हुआ। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें हनुमान चालीसा विवाद से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है। हनुमान चालीसा विवाद लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया है ये पूरा विवाद। एनसीपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, पीएम आवास के बाहर चालीसा पाठ की इजाजत मांगी है, प्रधानमंत्री आवास के सामने नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। एनसीपी नेता फैबिदा हसन खान ने गृहमंत्री को पत्र लिखा है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का जो पूरा का पूरा विवाद है वो पहुंच गया है प्रधानमंत्री आवास तक, और अब हनुमान चालीसा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पढ़ने की मांग की गई है, साथ ही अजान भी पढ़ने की इजाजत मांगी गई है। लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह हो गया, क्योंकि राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें जेल में भेजा गया। एनसीपी नेता ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और ये कहा है कि सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिले, प्रधानमंत्री आवास के सामने नमाज पढ़ने की भी इजाजत मांगी है। तो ये सियासी जो मामला ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिर क्या आगे होता है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी मुखर है इस पूरे मामले को लेकर के।
और मुंबई का मामला अब दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया है और ये इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पूरा का पूरा विवाद क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों आखिर हनुमान चालीसा को लेकर के इतनी सियासत अब होने लगी है इस देश में। और यही वजह है कि अब अलग अलग तरीके से अलग अलग बयानों को लेकर के भी बड़ी बात सामने आ रही है। एक बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं जो कि आ रही है, और ये बड़ी खबर ये है कि हनुमान चालीसा विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर जो कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया पूरा का पूरा विवाद। देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान, अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नौकर मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। फाइमा हसन को सुन रहे थे आप, फाइमा हसन एनसीपी की नेता हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर अजान और हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत मांगी है। ये वही फाइमा हसन है एनसीपी की नेता जिनके सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और वहां अगर हनुमान चालीसा कोई पढ़ने की बात कर दे तो उस पर राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता है। पूरा विवाद एक रिपोर्ट के जरिए देखें फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन भगवान हनुमान के आशीर्वाद से ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में सत्य की विजय पताका लहराई थी, आज उसी हिंदुस्तान में हनुमान भक्तों को राजद्रोही ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह हो गया है। एक महिला सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने इतना भर कहा था कि वो मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पढ़ा भी नहीं फिर भी गिरफ्तारी हो गई। पहले धार्मिक वैमनस्यता से जुड़ी धारा 153A के तहत गिरफ्तारी हुई और बाद में राणा दंपति पर एक और धारा लगा दी गई 124A यानी राजद्रोह की धारा। ये गैर जमानती धारा है और गुनाह साबित होने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो क्या महाराष्ट्र में हनुमान पाठ करना ऐसा गुनाह है कि जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ा दिया जाए? आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया। यही नहीं, पहले नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसैनिकों ने हंगामा किया, फिर जेल में बंद हनुमान भक्तों से मिलने जाने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप सत्ताधारी शिवसेना के गुंडों पर है। इस मुद्दे को लेकर शिवसैनिकों ने जो बवाल काटा है उसे एक तरह से सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कर्तव्य आहे की त्यांच्यासमोर मी नतमस्तक व्हायला आलो। काल आपण पाहिलं असेल कडाक्याच्या उन्हात आजी बसल्या होत्या आणि आता त्यांनी कोणता करेल झुकेगा नाही। दूसरी तरफ जब नवनीत को जेल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने मुट्ठियां तानकर इनकलाबी तेवर दिखाए, तो वहीं पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के इशारे पर राजद्रोह का केस करने का आरोप लगाया। राणा दंपति को 29 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने इससे पहले 27 अप्रैल तक मुंबई पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है क्या शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके बेटे उद्धव ठाकरे? जिस हिंदुत्व की हिमायत में बाला साहब ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व की मशाल जलाए रखी, अब कांग्रेस समेत 3 दलों के गठबंधन के दम पर खिचड़ी सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे कुर्सी बचाए रखने के लिए क्या इस हद तक चले जाएंगे कि हनुमान भक्तों के खिलाफ शिव सैनिकों को खड़ा कर दें? क्या हनुमान नहीं अजान के साथ रहेंगे शिव सैनिक? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो का सीधे रुख कर रहा हूं। मेरे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। मेरे साथ शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त जुड़ रही हैं मुंबई से और साथ ही मेरे साथ मीनाक्षी मेरे सहयोगी मुंबई जुड़ रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि हितेन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत
इतनी आगे बढ़ चुकी है हनुमान चालीसा को लेकर के, क्या अब यह माना जाए कि जो सियासी पार्टियां हैं उनकी पहचान ही धर्म होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए धर्म की राजनीति अब हर पार्टी कर रही है अंजीत, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे शिवसेना की, एमएनएस की, आप खुद राज ठाकरे और अब उसके बाद जिस तरह से नवनीत कौर, लगातार एक के बाद एक धर्म को लेकर सियासत यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग राज्यों से मामले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो नवनीत कौर राणा, उसके बाद देखिए रवि राणा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। इसके बाद से अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों पर उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाएगा क्या? क्योंकि देखिए जिधर उनकी गिरफ्तारी हुई शनिवार को 153 धारा 153 के तहत हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि जो धर्म है, समुदाय है, उसके खिलाफ। चलो मीनाक्षी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन शालिनी इस वक्त जुड़ गई है मुंबई से। मीनाक्षी आपके पास आऊंगा। शालिनी, आज क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र में, क्योंकि सियासत तो हो रही है और खूब हो रही है? अलग अलग बयानबाजियां जरूर हो सकती है अंजीत, लेकिन अगर किसी खास डेवलपमेंट की बात करूं मैं तो वो आज नहीं संभव है, क्योंकि राणा दंपति की जो बेल पिटीशन है वो अभी हॉलिडे कोर्ट में गई हुई है, और नियम के मुताबिक अगर किसी एक कोर्ट में बेल पिटीशन गई है तो जब तक सुनवाई नहीं हो सकती, हो जाती तब तक आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो उनके वकील हैं रिजवान मर्चेंट, वो कानूनी सलाह ले रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक बेल पिटीशन आगे फाइल नहीं हो सकती है अपर कोर्ट में। तो इस लिहाज से 27 तारीख को सरकारी वकील को यह साबित करना होगा कोर्ट के अंदर कि आखिर आपने राजद्रोह का मामला लगाया कैसे, क्योंकि ये जो मामला राणा दंपति के ऊपर लगाया गया था वो आखिरी मूवमेंट पर लगाया गया था, और इसलिए कोर्ट ये समझना चाहती है कि राजद्रोह आपने क्यों लगाया उनके ऊपर। 27 को ये सरकारी वकील साबित करेंगे और फिर 29 तारीख को बेल पिटीशन के ऊपर सुनवाई होनी है। तो अभी शालिनी पर रोक रहा हूं, किरीट सोमैया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास आऊंगा। क्या रहेगा मेन हस्तक्षेप की मांग आपकी तरफ से लगातार की जा रही है, इसको लेकर क्या बातचीत आप करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी मुंबई के आधा दर्जन नेता विधायक यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्रालय से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है, यहाँ से भेजे गए CISF के कमांडो पे हमले किए जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तियों के जान लेने की धमकियां दी जाती है, मुख्यमंत्री का प्रवक्ता कहता है कोई भी MP MLA मेरे विरुद्ध में बैठेगा बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा, तो इसकी गृह मंत्रालय ने स्पेशल टीम भेजी। किरीट सोमैया को सुन रहे थे आप, किरीट सोमैया ने लगातार ये कहा कि उद्धव सरकार माफिया की तरह काम करे। सीधे ग्राउंड जीरो का एक बार फिर से रुख करते हैं। हितेन मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हितेन, अब क्या अपडेट है, ये मुलाकात हो चुकी है अभी होनी है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सभी नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये गृह मंत्रालय में अभी एंटर हुए हैं, होम सेक्रेटरी से मुलाकात होनी है ये सभी नेताओं की, और होम सेक्रेटरी से सीधे तौर पे अंजीत जो है मांग की जाएगी कि गृह मंत्रालय की एक टीम जो है वो मुंबई आए, विजिट करे और उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाए, क्योंकि उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा और CISF के कमांडो उनके साथ 24 घंटे तैनाती में रहते, उसके बावजूद पुलिस की निगरानी में अगर उन पर हमला होता है और FIR भी जो होती है वो उनके कमांडो पर होती है, तो ये सब कहीं ना कहीं गुंडा राज चल रहा है ये जताने की। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं किरीट सोमैया, बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान आज कुछ सवाल पूछेगा अपने चर्चा में, वो एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं कि आखिर जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो मुंबई में और महाराष्ट्र में आखिर किस तरीके से चल रहा है, और सवाल है क्या बाला साहेब की विरासत से उद्धव ने राजद्रोह कर दिया है, क्या अजान के खिलाफ राजद्रोह की ऐसी ही कार्रवाई कर सकते हैं उद्धव जैसा उन्होंने हनुमान चालीसा पर किया, बाला साहब के सैनिक हनुमान से लड़ने को आखिर कैसे तैयार हो गए, और साथ ही सवाल है कुर्सी की भक्ति के लिए राम हनुमान की भक्ति भूल गए हैं क्या उद्धव, और आज का आखिरी सवाल हमारा क्या चालीसा विवाद बीजेपी का गेम प्लान है, लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ा संजय राउत कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। बेटा करते हैं कि
जे अमित शाह आहे अमित शाहांना देवेंद्र फडणवीसांनी काल फोनवरनं या संदर्भातली माहिती दिली. काय माहिती दिली काय हरकत नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये 17 बलात्कार झालेले आहेत गेल्या 3 वर्षात. त्याच्याविषयी सुद्धा कोणी माहिती देत असेल गृहमंत्रालयाने घेतली असेल. और इसी पर बात करेंगे. मेरे साथ राजीव पांडे जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं. साथ ही ऋषि मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं. और भी तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे. लेकिन ऋषि मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे, क्या मुंबई में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़े तो राजद्रोह हो गया? ये कब से हो गया सर? ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? नहीं तो आप मुझे बताइए ना कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ कहने का ऐलान कर देना राजद्रोह हो जाता है आपकी नजर में? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप देश के जाने माने एंकर है, विद्वान एंकर है, आप बता दीजिए. नहीं सर, मैं तो आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ. मुझे एक बात बताइए, राणा दंपति ने यह कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शिवसैनिकों ने बाहर जाकर के हंगामा किया, फिर बाद में उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया, 153 ए गिरफ्तारी हुई, फिर धारा 124 से लगा दी गई. ये सब वाजिब लगता है ना आपको मुंबई में? कोई भी कानून तोड़ेगा, चाहे राणा हो या मिश्रा हो, ठीक है, ठाकरे हो या गांधी हो, कोई भी कानून तोड़ेगा, कानून सम्मत कार्रवाई होगी. बहुत शानदार. हिंदुस्तान के कानून. मेरे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता है. मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं. मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, एनसीपी लीडर. योगेश खैरे साहब भी जुड़ गए हैं, एमएनएस नेता. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. किशोर तिवारी जी और राजीव पांडे जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ. किशोर तिवारी जी, अच्छा लगता है ना कि अगर हनुमान चालीसा का कोई पाठ करने के लिए कहे तो उसके ऊपर राजद्रोह लगा दो, 153 ए लगा दो, 353 लगा दो, सारी धाराएं लगा दो एक साथ? ये देखो, मुझे थोड़ा एक पार्टी मीटिंग में जाना है तो मैं मेरी भूमिका रख लेता हूँ. जी जी. कि हनुमान चालीसा हम भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हम भी मंदिरों में पढ़ते हैं, और मंदिरों में पाठ होना चाहिए. किसी के मुख्यमंत्री के आवास पे जाके करना नहीं है. लेकिन ये सब धाराएं लगने के पीछे कारण है, पिछले 3-4 महीने से जिस प्रकार के आंदोलन और जिस प्रकार का माहौल ये राणा पति पत्नी कर रहे थे, तो उस वजह से राजीव पांडे देखो ये सब चीजें मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं आपको मैं सर बिल्कुल बोलने दूंगा. लेकिन आप कह रहे हैं पिछले 3-4 महीने से. मेरा सवाल सर ये है कि शिवसैनिक जाकर के बाहर घर के बाहर हंगामा करते हैं, आपके नेता ये कहते हैं 20 फीट जमीन में गाड़ दूंगा, आपके नेता ये कहते हैं कि नहीं ये राजद्रोह, कैसे हो गया सर ये? देखो मैं बताता हूँ तुमको कि कोई भी उठेगा, कोई मुलुंड का नुक्कड़ का नेता भी उठेगा. अरे वो सांसद है, पार्लियामेंट मेंबर है. अरे कैसी बात कर रहे हो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए. किशोर तिवारी, राजीव पांडे, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना इनको. अरे मैं मुझे बोलने देंगे तो. अरे सर आप कुछ भी बोलेंगे बैठ करके, आपका मंच है, भाषण देंगे यहाँ पर. तिवारी जी मेरी बात सुन, 153A और 124A मुझे एक मीटिंग में ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे. क्या एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि मैं तिवारी जी के घर के बाहर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा तो मेरे ऊपर राजद्रोह का केस हो गया? मैंने कौन है आप एज अ लॉयर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो सेक्शन है वो वहां गए भी नहीं. और एक बात मैं बताता हूं तिवारी जी, आप डर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता से डर रहे हैं. मुझे हैरानी हो रही है, कह रहे हैं कि गली नुक्कड़ का कोई कह देगा, आपके भूल गए पार्लियामेंट मेंबर है वो, और आपने इतना बड़ा मुकदमा कर दिया. चलिए राजीव पांडे जी, किशोर तिवारी जी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं. एक छोटा सा ब्रेक हो गया क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ब्रेक लेना मजबूरी है. एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जा रही है 10 का दंगल. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. हनुमान चालीसा पर बवाल मच गया है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और जमकर बवाल हो रहा है. एक बड़ी खबर के लिए सीधे मुंबई का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर मीनाक्षी के पास एक बड़ी खबर है. मीनाक्षी क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल अंजीत, हनुमान चालीसा विवाद देखिए अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुका है. आपको बता दें एनसीपी नेता ने अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है. एनसीपी नेता फहमिदा हसन खान ने बकायदा पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को और अनुमति मांगी है कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर नमाज और हनुमान चालीसा का पाठ करें. आपको चले मीनाक्षी लौटेंगे आपके पास, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं,
एनसीपी नेता। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर फाहिमा हसन की तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज के लिए, उनकी तस्वीरें हैं ये। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और अजान की इजाजत मिले। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवा देते हैं जल्दी से आपको। जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर काम। तो आपको बता दें कि अपने घर पर है फाहिमा हसन, उन्होंने सीधे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ किया अपने घर पर और पत्र लिखा अमित शाह को, कहा कि इजाजत चाहिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा और साथ ही अजान की। मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के नेता जुड़ गए हैं और साथ ही आचार्य शैलेश जी तिवारी जी हैं, उन दोनों को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। मुझे बड़ी बात यह लगती है ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये दोहरी राजनीति क्यों सर? आप मुंबई में कोई हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दे तो आप उसके ऊपर राजद्रोह लगा देते हैं, दूसरी तरफ आप हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत प्रधानमंत्री के आवास के सामने मांगते हैं। ब्रजमोहन जी आवाज मिल पा रही है आपको? आचार्य शैलेश तिवारी, ये कौन सी पॉलिसी है? एक तरफ राजद्रोह, दूसरी तरफ आप दिल्ली में इजाजत मांगते हैं। अंजित जी, मैं तिवारी जी जो हैं शिवसेना के प्रवक्ता, उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने इतनी जल्दीबाजी की नवनीत राणा जी के हनुमान चालीसा के पाठ के नाम को सुन करके, इतनी जल्दीबाजी उन्होंने किया, उतनी जल्दीबाजी पालघर में साधु संतों की हत्या हुई उसकी जांच में उन्होंने नहीं किया, उसके बाद उसके दिग्विजय त्रिवेदी जो वकील थे उनकी भी हत्या हो गई, उसकी भी जांच का कोई अता पता नहीं चल पाया, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना मुंबई में क्या मुख्यमंत्री के घर के बाहर गलत है? क्या वहां अजान का पाठ करवाएंगे? शिवसेना किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। शैलेश तिवारी जी, स्थापना जो हुआ हिंदू धर्म के आधार पर हुआ, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी जो थे वह हिंदू हृदय सम्राट थे और वह जो शिवसेना का गठन किए थे वह सिर्फ हिंदुत्व के लिए किए थे, हिंदू समाज का। किशोर तिवारी जवाब दीजिए, आवाज आ रही है आपको? तो हिंदू समाज का बिल्कुल जवाब दीजिए किशोर तिवारी जल्दी से, बाकी लोग भी जाए उनके पास भी जाना जल्दी से। हाँ, आप बहुत जल्दी में मुझे मालूम है, लेकिन शैलेश तिवारी आप सर थोड़ी देर पहले आप भी जल्दी में थे, किशोर तिवारी जी बोलिए। अरे भाई देखो, मैं हिंदुत्व पे हमारे कोई शक ना करे, मैं ये भी बोलता हूँ कि पंत प्रधान के घर के सामने भी अति सेंसिटिव है, वहां भी अजान वगैरह नमाज वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए और मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज मस्जिदों में पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसे का पाठ अपने घर में या तो एनसीपी ने जो इजाजत मांगी वो गलत मांगी ना आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये मैं एक कानून की हिसाब से ये सब करना चाहिए। एनसीपी ने गलत किया ना फिर इजाजत मांगी तो? मैं पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल कर रहा हूँ मैं, वो एनसीपी एक्टिविस्ट ने इसी वजह से पूछा, यही दिक्कत है सर, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोहरी राजनीति है, तिवारी दोहरी राजनीति है सर। दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? महाराष्ट्र नहीं कर रहे, क्यों हो रही है? क्या हिंदू समाज कर रही है? वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता? हनुमान चालीसा का पाठ करने में क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा, सिर्फ अजान करवाएंगे आप अपने घर के बाहर? एक मिनट तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि एक मिनट, पाल घर में दो साधु संतों की हत्या कर दी जाती है इतने लोगों के द्वारा, इसके बाद उसका कोई सलूशन नहीं निकला, उसका कोई जो अपराधी थे उनको कोई सजा नहीं मिल पाई, उद्धव ठाकरे उस पर आप मुझे बोलने देना की, और इस प्रकार जल्दी से बोलिए फिर मैं राजीव पांडे जी और के पास भी जाना है। देखो जी, आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। देखो पालघर की हत्या में 100 से ऊपर लोगों पर हत्या का मामला है और कोर्ट में चल रहा है, ये जल्दीबाजी क्या की मुझे मालूम नहीं, आप कोर्ट में जाइए और जल्द। ठीक है, मैं हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। योगेश खेरे जी और ऋषि मिश्रा जी, मैं आप दोनों को चर्चा में लाना चाह रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर योगेश जी बोलेंगे। आचार्य शैलेश जी, संतों की हत्या का सवाल उठा रहे थे,
माँ गंगा अभियान में 10 महीने भूख हड़ताल के बाद स्वामी सदानंद की मौत हो गई, प्रधानमंत्री को 12 बार पत्र लिखा गया। माफी के साथ आपको कह रहा हूँ, इस पर चर्चा कभी और कर लेंगे, इस पर चर्चा कभी और कर लेंगे, लेकिन ये चर्चा राजू पांडे बोलिए। आप देखिए ये भाग जाएंगे, देखिए आप तिवारी जी ने जो छोड़िए भाग जाएंगे, स्वामी की मौत हो जाती है कि आज अगर हनुमान चालीसा रोड पर नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री जी के घर के आवास के बाहर नहीं हो सकता, तो क्या कल से पूरे मुंबई में किसी भी पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? ये आप इनसे पूछ लीजिए, ये इंश्योर करें कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। देखिए मेरा मानना है नवनीत राणा ने जो अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? आप उनके ऊपर 124-153 केस लगाते हैं। मेरा एक सवाल है, अगला जो फ्राइडे आएगा तो क्या मुंबई की सड़कें खाली मिलेंगी? ये बड़ा सवाल है योगेश खरे जी, मैं इस चर्चा में आपको शामिल कर रहा हूँ। सारी बातें अपनी जगह, सारी योगेश खरे जी सारी बातें अपनी जगह, आप लोगों ने भी बहुत कुछ ऐलान किया था, ठीक है वो बात की बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह हो गया मुंबई में? मुंबई में ऐसी सरकार है? योगेश खरे जी योगेश जी बोलेंगे। नवनीत राणा और रवि राणा ने जो किया उसका हम पहले से समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उस पर राजद्रोह लगा है, ये राजद्रोह में बात आती है क्या? ये राजद्रोह का बिल्कुल केस नहीं है, बिल्कुल आती है। योगेश जी कंप्लीट कीजिए तिवारी जी से मैं पूछता हूँ, आपने बताया कि मातृश्री के सामने हनुमान पठन नहीं होना चाहिए, ठीक है उनका अधिकार है, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि जिस तरह से वो अपने सामने हनुमान चालीसा पठन नहीं सुनना चाहते, उसी तरह से महाराष्ट्र के जो लाखों लोग है वो अजान नहीं सुनना चाहते, तो आप बंद करेंगे क्या? वो आप बंद कीजिए ना वो फिर। किशोर तिवारी, हाँ देखिए ये राष्ट्रीय समस्या है ऐसा राज ठाकरे जी ने कहा, और अजान पर अजान लाउडस्पीकर पे की जाए या ना की जाए इस पे समाधान के लिए मीटिंग बुलाइए, तो योगेश खरे आपका समाधान हम निकालेंगे। आप राजनीति कर रहे हैं सरकार में, आप राजनीति कर रहे हैं, जो आपका जो अधिकार योगेश जी ये तो राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय समाधान होगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए कम से कम माना तो उन्होंने राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन 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 हनुमान चालीसा पर राजद्रोह लगा देना ये कौन सी समस्या है? किशोर तिवारी जी इतनी तकलीफों को इतना डर गए हनुमान चालीसा से? आप आचार्य शैलेश तिवारी और ऋषि मिश्रा को मैं चर्चा में लाना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए ऋषि मिश्रा डर गए क्या हनुमान चालीसा से? इतना डरते हो हनुमान चालीसा से आप लोग? देखिए इस देश में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, घंटा बजेगा, शंखनाद होगा, और अगर इसको कोई रोकेगा तो कैसे यह देश चलेगा? इस देश में नहीं होगा तो क्या ईरान में होगा, अफगानिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा? हिंदुस्तान को तो तोड़ दिया ऐसे मानसिकता के लोगों ने, ऐसे ही मानसिकता के लोगों ने इस देश को तोड़ करके पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। अब इस देश में रामचरितमानस नहीं होगा, सुंदरकांड नहीं होगा, हनुमान चालीसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऋषि मिश्रा जैसे लोग, ऐसे विचारधारा के लोग देश को तोड़े हैं, इन लोगों ने देश को तोड़ा है, और ताना बाना की जो बात करते हैं ये अपने आप में ड्रामा है। इन लोग के दिखाने का नाम कुछ और है, मुखौटा कुछ और है, और कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इस तरह मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि वहाँ महाराष्ट्र में
राष्ट्रपति शासन लागू हो, उद्धव सरकार को हटाया जाए, क्योंकि उद्धव सरकार जो है यह देश का सनातन धर्म के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। चलिए आपको आपको रोक रहा हूँ, किरीट सोमैया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। किरीट सोमैया कुछ बोल रहे हैं, सुन लें। अरे एक 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 थोड़ा नीचे ले, नीचे ले, नीचे रखो, दूर रखो, दूर थोड़ा नीचे ले। बोलिए सर, अरे क्या होता है, केंद्रीय केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला जी से हमारा काफी डिटेल डिस्कशन हुआ। 20-25 मिनट की चर्चा में उनके चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। तो किरीट सोमैया को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से डिटेल में बात हुई है। हितेन, इसके बाद आप आगे क्या क्या अमित शाह से मुलाकात होगी, दिल्ली में आज क्या होने वाला है मुंबई को लेकर? हितेन, हितेन अगर आपको आवाज मिल पा रही है, चलिए हितेन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन राजीव पांडे जी, आप लोगों की मुलाकात, मुंबई से एक डेलीगेशन आया है, उन्होंने मुलाकात की है, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग मुंबई में? देखिए, इस प्रकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन का जैसा दिख रहा है। एक आदमी जिसकी एक सेफ्टी सिक्योरिटी एक कैटेगरी में मिली हुई है, उसकी एक कमांडो के सामने उस व्यक्ति पर पत्थर से हमला करना, वो ऋषि मिश्रा को अच्छा लगता है सर? उसमें सब अच्छा लगता है, वो ऋषि मिश्रा जी कई बार अपने मुस्कुरा रहे हैं, उनको सब अच्छा लगता है। और एक आपको रोक रहा हूँ, सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूँ मुंबई का। शालिनी मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई है, उनके पास एक बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है वो पहले आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि सांसद नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नवनीत राणा को पीपी की शिकायत है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जेल में नवनीत राणा का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जो बड़ी जानकारी आ रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है नवनीत राणा। चल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और 10 का दंगल में शामिल होने के लिए। 10 का दंगल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, आप देखते रहिए